हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू के लिए। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड सिविल जज के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए करा रहा हूँ। एमसीक्यू फॉर्मेट में वेरी इंपॉर्टेंट है और ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं उत्तराखंड में और अन्य सिविल जजेस एग्जाम में बार बार आते रहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा और काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है आप लोगों के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और जो भी लोग उत्तराखंड सिविल जज की प्रिपरेशन में लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें और मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप नीचे से जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूँ, उत्तराखंड सिविल जज के लिए मैं पेड ग्रुप भी चला रहा हूँ, ठीक है। जो आप प्रीलिम्स के लिए होगा ओनली जीएस के लिए मटेरियल जो भी होगा वो हिंदी में होगा। आप चाहें तो मुझे व्हाट्सअप करके, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे व्हाट्सअप करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखें वो ग्रुप पेड है। तो पहला क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसमें सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा, ऑप्शन बी। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद में संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजन यानी पर्पस का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद, ऑप्शन इसका सी होगा, अनुच्छेद वन में, आर्टिकल वन में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद के एक के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजन में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? ठीक है, तो आपको इन चार ऑप्शन है आपको आंसर करना है। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी शामिल है, यानी क्या अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए। कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारत के किस भारत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में ये दिया गया है? राष्ट्रों के सम्मान और अधिकारों और आत्मनिर्णय के सिद्धांत का सम्मान करना, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक या मानव कल्याण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करना, ठीक है। तो इसके तीन ऑप्शन सही होंगे, यानी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, यूएनओ का वर्तमान कितने देश सदस्य हैं? तो वह हैं 193 और 193 जो है वो दक्षिण सूडान है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रयत्न राज्य को अपने राज्य क्षेत्र में संगठन को ऐसी विधेयक हैसियत प्रदान करने के लिए जो उसके कृत्यों को करने के लिए आवश्यक हो? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 104। शांति के लिए एकता प्रस्ताव महासभा द्वारा पारित किया गया था, ऑप्शन डी 3 नवंबर 1950 को, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा महासभा के लिए संस्तुतियां तैयार करता है? तो वह ऑप्शन सी मुख्य समितियां, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन महासभा की समिति नहीं है? तो वो है ऑप्शन डी निरस्त्रीकरण समिति। महासभा निम्नलिखित में संयुक्त राष्ट्र के किस अंग का अपना निर्णय नियंत्रण रखती है? तो ऑप्शन डी होगा, ए और सी दोनों, यानी आर्थिक और सामाजिक परिषद और न्यासधारिता परिषद, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग होते हैं, फटाफट मुझे बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है संयुक्त राष्ट्र का महासचिव, वेरी इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताइएगा कि वर्तमान में यूएनओ के प्रेसिडेंट यानी महासचिव कौन है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि सुरक्षा परिषद सशस्त्र बल के प्रयोग को शामिल करने के लिए उपाय को अपनाता है? इसका अनुच्छेद 42 सही आंसर होगा, यानी आर्टिकल 42। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद में सुरक्षा परिषद के तदर्थ सदस्य के लिए प्रावधान किया गया है? ऑप्शन इसका ए, अनुच्छेद 31। फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आप चाहते हैं कि इस तरह की ऑनलाइन एमसीक्यू फॉर्मेट में मैं उत्तराखंड सिविल जज के लिए और सीरीज चलाऊं तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा से क्वेश्चन यहाँ पर दे सकूँ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्थायी सदस्य है सॉरी सुरक्षा परिषद का। तो इसमें भारत, जापान, कनाडा बिल्कुल नहीं है, चीन यहाँ पर स्थायी सदस्य है। मुझे स्थायी सदस्यों के कितने स्थायी सदस्य हैं कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं। आप चाहते हैं कि यूएनओ को लेकर मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए प्रॉपर बना दूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। सुरक्षा परिषद के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, ऑप्शन डी, इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं, ठीक है। किस वर्ष चार्टर में संशोधन करके सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई थी? तो वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यह 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति की जाती है? इसमें सही ऑप्शन है सी, 5 स्थायी सदस्यों के सम्मतिकारी मतों के साथ सुरक्षा परिषद की सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अध्याय के अंतर्गत सुरक्षा परिषद प्रवर्तन कार्यवाही के लिए
के लिए सशक्त है वो है अध्याय 7 में दिया गया, ऑप्शन बी इसका सही होगा। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अनुरूप आर्थिक तथा सामाजिक परिषद की स्थापना की गई है? ऑप्शन इसमें डी अनुच्छेद 1 में, ठीक है, आर्टिकल 1 में, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद तथा महासभा एक साथ संयुक्त होकर कौन से कार्य करते हैं? तो ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी, यानी नए सदस्यों का प्रवेश होता है, सदस्यों का निष्कासन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का निर्वाचन, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है कि सशस्त्र बलों को काम लेने के योजनाएं सुरक्षा परिषद द्वारा सैन्य कर्मचारी समिति की सहायता से बनाई जाएंगी? तो इसमें सही ऑप्शन होगा अनुच्छेद 46 में, ठीक है, तो और इसका आंसर होगा बी। तो देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ से रिलेटेड यूके में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से कर लें। जो भी लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, वो इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।